तो हेलो गैस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शेक्स रिएक्शन। तो लापता लेडीज़ मूवी से उस सजनी रे सॉन्ग हम रिएक्शन करने वाले हैं, जो कि अरिजीत सिंह का है। बहुत ही ट्रेंडिंग कर रहा है अभी भी, मतलब 2 महीने हुआ है सॉन्ग आके और मूवी आके भी। बहुत ही अच्छी है मूवी और सॉन्ग भी बहुत ही प्यारा है और अभी भी ट्रेंड कर रहा है गैस। म्यूज़िक आके राम संपत का है, तो चलिए गैस, आमिर खान का प्रोडक्शन है, तो मूवी बहुत अच्छा है और सॉन्ग भी बहुत ही प्यारा है। अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए गाइस। तो पहले एंजॉय करते हैं सॉन्ग, उसके बाद में बात करेंगे। ऑब्वियसली अरिजीत सिंह मतलब लेजेंडरी सॉन्ग होगा, तो लेट्स स्टार्ट। बहुत ही मीठा म्यूजिक का स्टार्टिंग ही, गिटार बहुत ही प्यारे गिटार। अरे यार, बहुत ही प्यारा प्रपोजल शादी के बाद। कैसे कटे दिन रात, कैसे हो तुझसे बात, तेरी याद सतावे रे ओ सजनी रे। कैसे कटे दिन रात, कैसे मिले तेरा साथ, तेरी याद सतावे रे। कैसे घने रे बदरा घिरे, तेरी कमी बारिश लिए सैलाब जो मेरे सीने में है, कोई बताए ये कैसे थमे, तेरे बिना अब कैसे जिए ओ सजनी रे। कैसे कटे दिन रात, कैसे हो तुझसे बात, याद सतावे रे। म्यूजिक भाई सजनी रे, कैसे कटे दिन रात, कैसे हो तुझसे बात, तेरी याद सतावे रे। बहुत ही प्यारा, मतलब बहुत ही अच्छा मेलोडी बोल सकते हो गाइस, रोमांटिक मेलोडी ट्रैक। ऑब्वियसली अरिजीत सिंह की आवाज़ तो बहुत ही प्यारा, मतलब रिवर्ब और गूंज रही है। जिस तरह से हेडफोन लगा के आप सुनिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत ही प्यारा सॉन्ग गाइस। मतलब कंपोजिशन एंड म्यूज़िक आके दोनों आके राम संपत का है, जो कि बहुत ही प्यारा है कंपोजिशन। एंड जितना म्यूज़िक चाहिए था सॉन्ग के लिए उतना दिया है गाइस, परफेक्ट। गिटार्स के साथ बहुत ही अच्छा खेला है गिटार्स के साथ, और इतना क्लीन अरेंजमेंट किया है ना, म्यूज़िक और प्रोड्यूस किया है ना राम संपत ने, वाव गाइस वाव। एंड सिंगर तो अरिजीत सिंह, मैंने मतलब मैं क्या कह सकता हूँ लेजेंड के बारे में, अरिजीत सिंह को तो आपको तो पता ही होगा। उनका वॉइस आ गया तो सॉन्ग मतलब हिट है, ब्लॉकबस्टर है, जो कि बहुत ही प्यारा और बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग है गाइस। मतलब बार बार सुन सकते हो, ऐसा सॉन्ग है। एंड अभी कास्ट के और वीडियो के ऊपर बात करेंगे, जो कि बहुत ही प्यारी है गाइस। मतलब मूवी है ना लापता लेडीज़, एक सोशल मैसेज भी है और बहुत ही ज़्यादा तगड़ी मूवी है गाइस। अगर एक सिचुएशन अभी गर्ल्स के जोड़ जो चल रही है ना, उसके ऊपर है और थोड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है, जो कि दुल्हन गुम जाती है अपने हीरो की, नितांशी गोयल एंड स्पर्श श्रीवास्तव जो ये मेन एक्टर और एक्ट्रेस है ना, दोनों साथ में बहुत ही अच्छा लग रहे हैं। मतलब एक्टिंग नेक्स्ट लेवल है गाइस, इनकी मूवी देखिएगा आप। और जिस तरह से शॉट्स दिखाए हैं ना, अपनी पत्नी को घुमा देते हैं ये ट्रेन में, तो उसके बाद में ये सॉन्ग है, थोड़ा थोड़ा बहुत ही सजनी रे बोल के।
जिस तरह के लिरिक्स हैं ना बहुत ही तगड़े हैं गाइस, मतलब मूवी भी बहुत तगड़ा है, सॉन्ग भी बहुत ही तगड़ा है और बहुत ही मतलब रिपीटेटिव सुनने के लायक है सॉन्ग ये, और बहुत ही रोमांटिक मेलोडी ट्रैक है जो मुझे दिल से लगा मैं बता रहा हूँ गाइस। और लिरिक्स आके प्रशांत पांडे ने लिखे हैं जो कि बहुत ही प्यारे लिरिक्स गाइस, बहुत ही प्यारे लिरिक्स। और लिरिक्स पे बात करता हूँ मैं, स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छे हैं गाइस, मतलब बहुत ही ज़्यादा तगड़े हैं। लिरिक्स पे बात करेंगे तो जो कि ओ सजनी रे कैसे कटे दिन रात, कैसे हो तुझसे बात, तेरी याद सताए रे ये। और इसके बाद में आके सेंटर में जो वर्स आता है ना, कैसे घने रे बदरे गिरे, तेरी कमी की बारिश लिए, सैलाब जो मेरे सीने में है, कोई बताए ये कैसे थमे, तेरे बिना अब कैसे जिए। मतलब अपनी पत्नी की याद में इतना ढूंढता है ना मूवी में वो, मतलब हीरो इतना ढूंढता है ना अपनी बीवी को, हीरोइन को, थक जाता है गाइस। मतलब आप देखिएगा मूवी तभी इस इमोशन का पता चलेगा, इस गाने का पता चलेगा, मतलब इस गाने में जो इमोशन है ना उसका पता चलेगा, जो कि बहुत ही प्यारा है और जो मुझे दिल से लगा मैं बता रहा हूँ गाइस। मतलब जो मुझे फील हुआ मैं वो बता रहा हूँ गाने के बारे में और मूवी के बारे में। तो अगर कुछ गलत बोल दिया हो तो माफ़ कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, पीस आउट।